दोस्तों बिग बॉस सीजन 15 के लाइव फीड में इस समय घर के सभी कंटेस्टेंट काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि कल वीकेंड के बाद एपिसोड की शूटिंग होनी है और वीकेंड के बाद एपिसोड के लिए घर के सभी कंटेस्टेंट को अपनी ड्रेसेस भी मिल चुकी है, जिसमें कि दोस्तों घर के सभी कंटेस्टेंट वाकई काफी प्यारे लग रहे हैं। दरअसल दोस्तों इस समय घर के सभी कंटेस्टेंट अपने अपने ड्रेस की फिटिंग्स को चेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां दोस्तों आप करण कुंद्रा का लुक देख सकते हैं कि उनके लिए एक इंडो वेस्टर्न लॉन्ग ड्रेस आई है। इसके अलावा दोस्तों उनके पास दूसरा ऑप्शन एक ब्लू कलर का कोट है, जो कि दिखने में वाकई काफी प्यारा लग रहा है और करण कुंद्रा के ऊपर ये काफी शूट भी हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों उमर रियाज की बात की जाए तो उमर रियाज के लिए मेहरून कलर का कोट पैंट आया है, जिसमें कि वो भी काफी हैंडसम लग रहे हैं। वहीं उनके पास भी दूसरा ऑप्शन ब्लैक कलर के कोट के रूप में है, जो कि काफी शाइनिंग वाला है। इसके अलावा दोस्तों रश्मि देसाई भी उमर रियाज की मैचिंग की ड्रेस पहनेगी, यानी कि वो भी डार्क ग्रीन कलर की ड्रेस पहनेगी, जिसमें कि रश्मि देसाई भी काफी हॉट लुक दे रही है। वहीं दोस्तों सबसे प्यारी ड्रेस तो समिता शेट्टी की लग रही है, क्योंकि समिता ने आज दो ड्रेसेस ट्राई की है, जिसमें तो एक तो लॉन्ग ब्लैक कलर की ड्रेस है, वहीं दोस्तों दूसरी ड्रेस उनके पास में छोटी सी मिनी फ्रॉक है, जिसमें कि समिता शेट्टी छोटी सी डॉल की तरह लग रही है, यानी कि वो भी काफी प्यारी लग रही है। इसके अलावा दोस्तों तेजस्वी प्रकाश काफी निराश है, क्योंकि अभी तक तेजस्वी को अपने वीकेंड के बाद एपिसोड के कपड़े नहीं मिले हैं, जिसके कारण तेजस्वी काफी परेशान नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों हर बार तेजस्वी के साथ यही होता है कि उनको सबसे आखिरी में बिग बॉस के द्वारा वीकेंड के बारे एपिसोड वाले कपड़े भेजे जाते हैं। बाकी घर के सभी कंटेस्टेंट को अपने वीकेंड के कपड़े मिल चुके हैं और इस समय आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कल के एपिसोड के दौरान घर वाले किस तरीके से तैयार होंगे। फिलहाल दोस्तों आपको सबसे प्यारे ड्रेस किसकी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और बिग बॉस से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।